हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन एंड विंड में आपका स्वागत है। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आँखों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, आजकल जैसे कि COVID-19 लगा हुआ था, तो उसमें क्या हो रहा था कि सभी को फ़ोन देखने की बड़ी आदत बन गई थी। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनकी भी ऑनलाइन पढ़ाई चली हुई है, तो वो भी फ़ोन देखने के आदि हो गए। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को भी माइंस में लग रहे थे चश्मे, बड़े मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं। और जैसे कि सभी घर से सभी लैपटॉप देखने वालों को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, वो भी चार पहर दिन रात लगे रहते हैं। तो मैं एक होम रेमेडी, बड़ी सिंपल सी रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि हमारे बुज़ुर्ग पहले से प्रयोग करते आए हैं। तो इसका प्रयोग करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, मैं बता रही हूँ कि एक लेनी पड़ेगी आपको दखनी मिर्च, यानी कि जैसे काली मिर्च होती है वैसे ही सफ़ेद मिर्च होती है, जिसको के दखनी मिर्च बोलते हैं। और साथ में धागे वाली मिश्री लेने पड़ेगी आपको। मिश्री ऐसी मिश्री नहीं लेना जैसे और जैसी होती है, एक तो बिल्कुल जैसे शुगर की तरह होती है वैसी नहीं लेनी आपने, जो धागे में परोई होती है वो लेना आपने। और साथ में क्या लेना इनका, तो आपको साथ में क्या लेना आपने कि गाय का घी, अगर आपको मिले तो गाय का घी, ऐसे ना मिले तो पतंजलि वालों के पास मिल जाता है गाय का घी, तो वो ले। और देखिए, पहले जो मैंने बताई दखनी मिर्च, यानी कि सफ़ेद मिर्च होती है, काली मिर्च की तरह ही होती है सफ़ेद मिर्च, उसका आप ग्राइंडर में बिल्कुल पाउडर बना लें। और जो मिश्री है उसको किसी कुंडी में थोड़ा थोड़ा सा कूट लें, फिर उसका भी पाउडर बना लें, अलग अलग बनाएं दोनों का, ऐसा नहीं कि इकट्ठा बनाना। और इसको जैसे कि ये जो काली मिर्च का पाउडर बनाया, इसको एक शीशे के बर्तन में, छोटे से बर्तन में लेके उसको भर के रख लेना आपने। और मिश्री जो है उसको अलग रखना आपने, क्योंकि मिश्री में इससे उसमें सिल्क आ जाएगी, तो अलग अलग रखना दोनों को। और जब आपने सुबह शाम जैसे बड़ों को एक एक चम्मच और छोटों को आधी आधी चम्मच देना, और ऊपर से दूध, गर्म दूध पिला देना। देखिए, इसके खाने से अगर आप 2-3 महीने लगातार खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी आँखों की जो आपको मोटे मोटे चश्मे लगे थे वो भी उतर जाएंगे, जैसे कि मुझे भी लगा है। पर ये मेरा आम नॉर्मल चश्मा है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, ऐसा करना आपने, जैसे कि आपने बड़ों ने आधा चम्मच ले लेना दखनी मिर्च का पाउडर का, और आधा चम्मच लेना आपने मिश्री का, जो कि आप मैंने बताई धागे वाली मिश्री, उसका जो आपने चूर्ण बनाना उसका आधा चम्मच उसका लेना, आधा चम्मच ही दखनी मिर्च का, और ये एक चम्मच ले लेना आपने गाय के घी का। उन सभी को मिलाना और सभी को खा लेना, एक मतलब 2 चम्मच बन जाएंगे वो। आधा चम्मच लेना आपने दखनी मिर्च का, आधा चम्मच लेना मिश्री का, और आधा 1/4 चम्मच ले लेना छोटा थोड़ी सा गाय का घी। उन तीनों चीज़ों को मिलाना है, ज़्यादा नहीं है, 3 ही चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को मिलाना, और सुबह और शाम एक एक चम्मच ज़रूर खाएं, और ऊपर से गर्म दूध पी लें। और बच्चों को इतना ज़्यादा डोज ना दें, बच्चों को ये आधा आधा चम्मच खिलाएं, फिर आप देखेंगे कि 2-3 महीने खाने के बाद भी आपकी आंखों की रोशनी कैसी हो जाएगी। तो जैसे कि आप, इससे क्या होता है, रोशनी भी बढ़ेगी, और ये जो इतने बड़े बड़े चश्मे होते हैं नाक पे भी ऐसे निशान बन जाता है सब जगह, तो वो भी छूट जाएगा। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि देखिए हमारे बुजुर्ग इन्हीं चीज़ों का, होम रेमडीज का ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो उनकी आँखें भी ठीक रहती थी और ज़्यादा दवाइयों की उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो हमें भी
इन नुस्खों से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें भी हम क्यों इनसे अछूत रहें। तो मैंने क्या बताया, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि आपने कम से कम पहले शुरू में तो 100 ग्राम लेनी आपने दखनी मिर्च, यानी कि सफ़ेद मिर्च होती है, वो काली मिर्च की तरह होती है बिल्कुल, और धागे वाली मिश्री भी 100 ग्राम ही लेनी, और साथ में गाय का घी ले लेना आपने, वो तो डिब्बा ही मिलता है, वो ऐसा ही लिया ना। और फिर उनका चूर्ण बना के, जैसे कि बड़ों के लिए तो जैसे आधा चम्मच डाल दिया, आधा चम्मच दखनी मिर्च का, आधा ही चम्मच डाला आपने मिश्री का, और एक चम्मच डाल दिया घी का, तो वो तो ले हो गए बड़ों के लिए खुराक। और छोटों के लिए उससे भी थोड़ा थोड़ा आधा करके डालना, दखनी मिर्च थोड़ी सी डालना, आधे से थोड़ी कम डालना चम्मच। और बच्चों को जैसे कि 8-9 साल के हैं या इससे कम को तो मत देना, वो तो खा नहीं पाएंगे, लेकिन 8-9 साल की उम्र से ऊपर जो बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं, उनको आधा चम्मच ये दखनी मिर्च का और आधा चम्मच मिश्री का मिला के, और साथ में गाय का घी मिला के एक पेस्ट सा बना लें, और एक चम्मच उनको भी खिला दिया करें सुबह शाम, तो बच्चों का चश्मा भी उतर जाएगा और बड़ों का भी, और इससे क्या होगा कि मोतिया बिंद वगैरह भी नहीं होता है। तो मैंने देखी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज बताई, होम रेमेडी इतनी अच्छी है, ये ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं, तो आपसे निवेदन है कि इसका प्रयोग जरूर करें। ये दखनी मिर्चें जो हैं ये पंसारियों के पास बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और वहीं पर ही ये मिश्री भी मिल जाएगी, और गाय का घी अगर आपको और जगह ना मिले तो रामदेव की दुकान यानी कि पतंजलि वालों से ले लें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस रेमेडी का प्रयोग जरूर करेंगे, ये बहुत ही अच्छी है, हमारे पूर्वजों से लेके ये मेरी दादी जी ने बताया था हमें, वो एक मैं देखी दवाई लेके आऊँगी, वो बनाते थे दवाई, उसमें कम से कम कोई 30 आइटमें पड़ती थी, और ऐसे बड़ा खरल सा रखा हुआ था उसके ऊपर, ऐसे खरल करती थी, जब किसी को वो ऐसे मुफ्त में देते थे सभी को पूड़ी बना के, तो चाहे आंखें कैसी भी खराब हुई होती, पहले बड़ी आंखें दुखती बोलते थे कि आंखें दुखी, तो उनमें भी लगाते थे, बड़ी लगती थी उसमें भी दखनी मिर्च डालती थी मेरी दादी माँ, तो वो भी मैं सारा नुस्खा, मेरी दादी तो है नहीं लेकिन मेरी माँ है, मैं उससे सारी पूछूंगी और वो सारी आइटम बताऊंगी। वो बोलते थे कि अब बोलते हैं कि मोतिया पड़ा हुआ है आँखों में, लेकिन वो मोतिया क्या था, मेरी दादी माँ बोलती थी कि छौड़ बोलते थे कि आँखों में छौड़ पड़ गए, उनको भी काट देते हैं। तो ये मोतिया बिंद का भी बड़ा अच्छा इलाज है, ये जो दखनी मिर्च है और मिश्री वगैरह और साथ में ये देसी गाय का घी, तो इसका सेवन जरूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें, और कमेंट भी करें। धन्यवाद।